हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा साउथ किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट बहुत ही टेस्टी डोनट। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है और बाउल में हम स्ट्रेनर रख देते हैं। आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल छन्नी होती है आटा चालने वाली, उसे भी ले सकते हो। तो चलिए आज हम डोनट बनाएंगे मेजरमेंट से। तो मैंने यहाँ पे एक कप मैदा ले लिए, मैदे को डाल देते हैं और उसी कप से हाफ कप इसमें हमने पिसी हुई शक्कर डाली है। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर दीजिए, तो आपको पाउडर के फॉर्म में शक्कर मिल जाएगा। अब इसमें एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और हाफ चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं और एक चौथाई चम्मच नमक। अब इन सभी को छान लेते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी इसमें शक्कर के दाने रह गए हैं, तो इसे चम्मच से तोड़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि शक्कर में गुठलियां पड़ जाती हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इसी तरह से मैश करके छान लेना है। तो चलिए हमारी सूखी सामग्री यहाँ पे अच्छे से छन चुकी है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमें इस तरह का लेना है जिसमें कोई स्मेल ना हो। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम सरसों का तेल नहीं यूज करेंगे। ऑयल को भी मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल के ही इसका हम डो लगाएंगे। हमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, दही से ही हम इसका आटा लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा आटा लग चुका है, बस आपको भी इसी तरह से डो को कंप्लीट करना है। ना तो ये टाइट है और ना ही सॉफ्ट है। अब आटे को ढककर रख देते हैं समथिंग एक घंटे के लिए। अगर आप एक घंटे के लिए नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे 20 मिनट के लिए जरूर रखें। एक घंटे बाद फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, इसमें बहुत ही अच्छी सी जाली पड़ चुकी है, यानी हमारा आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। अब हम आटे को प्लेटफॉर्म में रख के अच्छे से मसल लेते हैं। मसलने के बाद हम इसमें तीन हिस्से कर लेते हैं, दो हिस्से साइड में रख देते हैं और एक हिस्से की हम लोई बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म में ऑयल लगा देते हैं और थोड़ा सा बेलन में भी लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से बेलकर कंप्लीट किया हुआ है। ना तो ये मोटा है और ना ही पतला है, मीडियम साइज का हमें बेलकर कंप्लीट करना है। अब मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया है, ग्लास से इस तरह से देखिए दबाते हुए किनारे से हम यहाँ पे गोल गोल जैसे पापड़ी होती है उस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए दो हमने बना लिए। अब एक हमने छोटा सा ढक्कन ले लिया है, उसकी मदद से बीच में भी होल कर देते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितने प्यारे टेस्टी हमारे डोनट बन चुके हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आप भी फ्रेंड्स इसी तरह ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। तो लीजिए हमारे यहाँ पे सभी डोनट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल लिया है, इसमें बहुत अच्छी सी हीट आने लगी है। अब इसमें हम छोटा सा टुकड़ा डोनट का डाल देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें बबल छूट रहे हैं, बस आपको इस तरह से ऑयल को गर्म करना है। अब एक एक करके हम डोनट को डाल देते हैं, जितने आपके कढ़ाई में आसानी से आ जाए आपको उतने ही डोनट डालना है। तो ये देखिए डोनट को हमें अभी टच नहीं करना है, जब ये ऊपर आ जाएंगे जब ही हम इनको टच करेंगे। तो ये देखिए डोनट ऊपर आ चुके हैं, अब इन्हें हम पलट देते हैं और इसी तरह से उलट पलट करके इन्हें हम गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे यहाँ पे डोनट फ्राई हो चुके हैं। अब एक एक करके सभी डोनट को निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे कितने ज्यादा टेस्टी डोनट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। अब मैंने यहाँ पे एक डेरी मिल्क ले ली है, मैंने यहाँ पे डेरी मिल्क को क्रश करके और दो चार चम्मच दूध डालकर इसको मेल्ट कर लिया है। तो ये हमारी परफेक्ट गनाश बन चुकी है। अब इसमें हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने से डोनट का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हमें एक तरफ से ही डोनट को डुबाना है। ये देखिए मैं आपको डुबा कर दिखा देती हूँ, बस आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है।
तो लीजिए, हमारे यहाँ पे सभी डोनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अपनी मर्जी के मुताबिक आपके पास जो भी चीजें हो आप उसे इससे सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा दिया है, गोल्डन, सिल्वर, स्प्रिंकलर, जो भी मेरे पास घर पे था मैंने लगा दिया। चाहे तो आप सिंपल तरीके से भी इन्हें बना सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाने से बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बहुत ही टेस्टी है, ये मार्केट जैसे भी लगने लगते हैं, इसीलिए हमने इसे सजा कर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी डोनट हमारे बन चुके हैं। कोई कह भी नहीं सकता है कि ये हमने घर में बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, कम खर्च में घर के सामान से बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी तरह की नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय।